तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से, जहां पर आज माधवगंज पर शिवसेना की जिला इकाई चीन द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले की निंदा करते हुए चीन का पुतला दहन किया। शिवसेना के जिला अध्यक्ष गजेंद्र कुशवाहा ने भारत के प्रधानमंत्री से मांग की है कि चीन पर हमला कर शहीद सैनिकों की मौत का बदला लिया जाए। वहीं बड़े बाजार में मुस्लिम समाज के सदस्यों ने भी बड़े बाजार में चीन की नापाक हरकत पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीनी सरकार का पुतला फूंका है। देखिए खास रिपोर्ट तहलका इंडिया न्यूज पर रवि चौरसिया के साथ। नाम है और किस पद पे? मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष गजेंद्र कुशवाहा विदिशा से। आज जिला विदिशा शिवसेना द्वारा चीन चाइना का पुतला दहन किया गया है। चीन की शर्मनाक हरकत से आज हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, भारत देश बड़ा आक्रोश है और इसका निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं इस चीज़ का। और हमारी केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द चीन पर आक्रमण करें और उन्हें पत्थर का जवाब ईंट से दे। जय भवानी। चीन ने जिस तरह हमारे जवानों को शहीद करा है, और चीन ने ये पहली बार नहीं करा, चीन हमेशा यही करता आ रहा, बढ़ता आ रहा, हमारी सीमाएं दबाता आ रहा है। और हमारे कुछ मीडिया साथी जो ये कह रहे हैं कि चीन की सरकार की गलती नहीं है, सेना की गलती है, सेना की कहां से गलती हो गई? सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे जो दिल्ली में दूतावास है चीन का, उस पर सख्त कार्रवाई करके वो उसका दूतावास हटाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। चीन जो है हमेशा ये करता है। जब गुजरात में चीन के प्रधानमंत्री आए, उस टाइम में हमारे जवानों को मारा गया था चीन की सेना द्वारा। ये गलत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम कंटिन्यू आंदोलन करेंगे।